कुमार जी का कटिहार बरारी का दौरा था सर, और जब वो आ रहे थे तो सभी पदाधिकारी का देखा गया, जहाँ रोड नहीं बनने वाला था ओन पोन में फटाफट रोड, और फिर डुमर में भी उसका प्रोग्राम था, और पोठिया में देख रहे थे पानी था एकदम चकाचक पानी, जब आने का प्रोग्राम रहता है सर, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बहुत परेशान है जनता। अभी मेरे ख्याल से नीतीश जी का कार्यक्रम ऐसे समय में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ही लगना चाहिए। भागलपुर है, मुंगेर है, लखीसराय है, बराड़ी है, मोहनपुर है, कुर्सेला है, और उनको मूल्यांकन करना चाहिए और आने से पहले उनको बाढ़ क्षेत्र का घोषणा कर देनी चाहिए। और सही माने में जो कम्युनिटी किचन है उसका कोई मीनिंग मुझे लगता है कि नहीं है। और 10 पॉकेट बना, कभी बनाए एक बार एक टाइम बन गया, कुछ लोग को अब खिलाए। अच्छा, कम्युनिटी किचन के लिए लोगों को आपको मुहैया करा, लोग आएंगे। अब बाढ़ में कौन निकलता है भाई, वहां से कमर भर भर छाती पानी में आपके यहाँ कम्युनिटी किचन में लोग ज्यादा से ज्यादा लोग बैठे, कहीं राहत स्थल होगा तो वहां पर आप कम्युनिटी किचन खोलेंगे जहाँ लोगों को रखने की व्यवस्था होगी, तो 600 400 500 800 लोग खाने की व्यवस्था होती है। लेकिन आप कहीं पर कम्युनिटी किचन खोल देंगे, राहत स्थल होगा नहीं, तो लोग बाहर से ही आएंगे खाने के, और आप थोड़ी देर के बाद कहिएगा 10 आदमी को खिला करके कि अब खाना खत्म हो। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कौन बैठा हुआ है देखने के लिए कि आप 10 आदमी को खिलाए, या आपको तीनों टाइम खिलाना है या दोनों टाइम खिलाना है, सुबह और रात में शाम में, तो आप एक टाइम बना करके खत्म कर देते हैं और शाम का फिर प्रक्रिया खत्म, आप जाइए भूखे मरिए। तो हालात अच्छे नहीं है, और नीतीश कुमार जी को सबसे पहले बिहार में जो ये परिस्थितियां बार बार मूल्यांकन होती है और लगातार गंगा कटाव की स्थिति भी भयावह होता है, नदी में स्लेटी निकालने की चीजें नहीं आई है, तो अभी जो 1500 करोड़ रुपया की जो बात आई है, मुझे लगता है कि हमें हम लोगों को बांध पर, अस्पर पर और नदियों से गाद निकालने पर हम लोग को काम करने की जरूरत है। जब तक नदी ऊंचा रहेगा, गाद हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, तब तक ये इलाका 6 महीना पानी में डूबा रहेगा और डरा हुआ। तो जहां पर नीतीश कुमार जी आते हैं तो नीतीश कुमार जी पदाधिकारी के बीच रहते हैं और आम लोगों से कोई बहुत बात हो नहीं पाती है। आम लोगों से होती भी है तो पदाधिकारी पहले से वहाँ पुलिस खड़ा करके सेलेक्टेड लोगों को रखती है ताकि कोई बात ज्यादा कोरी नहीं हो, एक आध बात हो और बात खत्म। ये परिस्थिति तो है, इसमें कोई बहस नहीं है। अभी औने पौने में बिना टेंडर के रोड बन गई हो, कितना का बना नहीं बना, बिल उठ जाएगा तो मुख्यमंत्री जी के नाम पर बहुत कुछ हो जाएगा। हम लोग के यहाँ सर दक्षिणी मुरादपुर में खेड़िया गांव है सर, कटाव बहुत भारी स्थिति में सर, गांव का अस्तित्व भी सर खतरे में, कटाव का कोई अस्थायी समाधान है नहीं सर। जब जब बाढ़ आती है उसी समय डीएम या फिर और अन्य पदाधिकारी आते हैं, जांच करके कोरम पूरा करके चले जाते हैं, लेकिन उसका कोई अस्थायी समाधान नहीं। इस बार भी जब 20 दिन लोकसभा चला तो हम कुर्सेला और बड़ारी के बाढ़ को लेकर के, मनियारी के बाढ़ को लेकर और कटाव को लेकर मुद्दे को उठाए थे, और आप उसको देख लीजिए, उसका वीडियो क्लिप होता है। तो हमने स्पेशली बायसी, मनिहारी, कुर्सेला और बड़ाली के और रुपोली के मुद्दों को उठाया था कि हमारे इलाके में, और उधर नवट्टा, क्योंकि हमारे इलाके में सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित होता है और गाँव का गाँव